तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके थे दिलावाड़ी फार्म्स, टेंट वेंट सब लगा दिए थे और अब हो गई है बारिश शुरू। पूरे टेंट्स जो हैं वो वहाँ लगे हुए हैं और आज सब गीले हो गए। क्या बॉनफायर होगा बताओ से, ओले गिर रहे हैं यार। ओले गिर रहे हैं, तो ओले गिर रहे हैं, ओले ओले गिर रहे हैं। फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन और वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नहीं पता क्या हो रहा है, किस वक्त आप ये वीडियो को देख रहे हो। मैं इस वक्त जा रहा हूँ देलावाड़ी कैंप्स की तरफ। भाई पीछे हो रहे हैं बहुत तगड़े बादल, क्या दिख रहे हैं और अभी हल्की सी बारिश भी मिली है मुझे। अभी ये लग रहा है कि आज के कैंपिंग का सीन है बारिश बिगाड़ सकती है। यार बादल अब पीछे छूट गए, ये थोड़ी अच्छी बात है। और गाड़ी में देख रहे हो पूरा सामान भरा हुआ है। क्या ग्रुप छोटा है ना, तो सोचा कि गाड़ी से ही सामान ले जाते हैं। इस वजह से मैं लेट भी हो गया हूँ थोड़ा, और मुझे डाउट है कि शायद जो ग्रुप को पहुँचना था आज कैंपिंग के लिए, तो पुराने कस्टमर्स हैं हमारे, तो वो शायद पहुँच चुके होंगे। अब वहाँ जाके नेटवर्क लगता नहीं है, मोबाइल काम करते नहीं, इसलिए उन लोग का कॉल नहीं आया। तो चल के देखते हैं जल्दी से क्या सीन है क्या नहीं है। और आज मेरे साथ मौजूद है सभ्य, बस आज कोई नहीं है, हम दोनों हैं, गिरीश भी नहीं है आज। और उसके बाद अपने खाना बनाने वाले राकेश भैया है, वो थोड़ा लेट आने वाले हैं, उनका भी भोपाल में काम था। तो पहुंचते हैं जल्दी, थोड़ी सी देर और बचा और पहुंच के सेटअप करते हैं आज के कैंपिंग का। चलो ड्राइव कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके थे देलावाड़ी फार्म्स, टेंट वेंट सब लगा दिए थे और अब हो गई है बारिश शुरू। पूरे टेंट्स जो हैं वो वहाँ लगे हुए हैं और आज सब गीले हो रहे हैं। पूरा डाउट आ रहा है मेरे को। अच्छा खासा तेज पानी है यार, देख सकते हो, मतलब आज की कैंपिंग की एक तरीके से पूरी बैंड टाइप की बज गई है। क्या बॉनफायर होगा बताओ से, ओले गिर रहे हैं यार। ओले गिर रहे हैं, तो ओले गिर रहे हैं, ओले ओले गिर रहे हैं। बारिश ने पूरे टेंट्स को कर दिया है गीला, यहाँ सब देख सकते हो। अब देखने की बात यह है कि भैया ये अंदर से गीले हैं कि नहीं, ऊपर से तो आप देख सकते हो ये पूरा गीला हो रहा है, लेकिन केचुआ के वाटरप्रूफ होते हैं ये टेंट्स। तो अब देखते हैं इतनी तेज बारिश और ओलों को ये झेल गए हैं, गजब। नहीं है यार गीला, अंदर से गीला नहीं है, इसलिए महंगे टेंट में पैसे लगाना गलत सौदा नहीं है बाबा। देखो अंदर से बिल्कुल गीला नहीं है, सब सूखा है, एवरीथिंग इज ड्राई नॉट वेट। ये गजब हो गया, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। मगर फिर भी फॉर अ सेफर साइड की रात में अगर बारिश दोबारा ना आए तो मैं ये करूँगा कि मैं इन टेंट्स को उठा के अपने उस हिस्से में लगा दूँगा, ठीक है। वहाँ पे लगाने से ये बेनिफिट हो जाएगा कि अगर रात में बारिश आती भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हमको, हमारे कस्टमर्स को। कुछ कॉटेजेस भी हैं चार अपने पास, तो हुआ तो उन कॉटेजेस में अगर होगा तो कस्टमर्स को वहाँ एडजस्ट कर देंगे, टेंट्स को रैप अप करके वापस रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। गीले नहीं हुए ये अच्छी बात है, मैट्रेस वेट्रेस सब सूखी हुई है मेरी, अगर मैट्रेस वेट्रेस गीली हो जाती तो प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा जाती, ब्लैंकेट्स गीले हो जाते तो, क्योंकि अब रात में जिस हिसाब से माहौल हो गया है तो ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट तो लगेगा बाबा, ठंडक की तो हो गई है इसीलिए। और रही बात लाइटिंग की, तो आज लग नहीं रहा कि मैं ऐसे मौसम में से वेदर में लाइट्स जला पाऊँगा, क्योंकि अगर लाइट जलानी पड़ी तो वो क्या है लूज़ वायर की वजह से कहीं इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है, लीक हो सकता है, तो इसलिए अपन रिस्क नहीं लेंगे। अपन सिर्फ एक हैलोजन ये लगी है, एक हैलोजन वहाँ लगी है, वो दो हैलोजन जला देंगे खाली, उससे ही काम चला देंगे।
तो फाइनली राकेश भैया आ गए हैं, काफी देर से भूख लग रही थी तो भैया ने हमको भूखा मार दिया। क्यों राकेश भैया? मारा नहीं भैया, ये प्यार है, प्यार है। अब भैया हमारे लिए भजी बना रहे हैं, तो तैयारी चल रही है भजी की, आप देख सकते हो मनोज भैया भजी बना रहे हैं, सब पूछ के बारे इंतजार कर रहे हैं राकेश भैया भजिया के लाने। भैया बारिश में दिक्कत तो नहीं आने में ज्यादा? भैया बहुत दिक्कत हुई, बहुत ट्रैफिक जाम हुआ ऑटो में, वैसे ही चारों तरफ से पानी लगा, हमको तो ये लग रहा था कि हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, पता नहीं आज। तो आज क्या क्या भैया खाने में? आज खाने में भैया है दाल चावल और नॉन वेज है, अंडा करी है, पकौड़ी है, रोटी है, मिक्सर भी है, भजिया बनी रहे, वैसे तो इस सिलसिला चलता ही रहेगा। सब जो बोल हो रहा है वो वेब सीरीज देख रहा है बैठे बैठे, लेकिन क्या करें बारिश हो रही है, रात हो रही है और पानी गिरना शुरू हो चुका है वापस से, तो देखते हैं क्या स्थिति रहती है। इसे बोलते हैं कैंपिंग हैक्स। यहाँ हमने डाल दिया हमारा चश्मा जहाँ पे लटकाई जाती है कैंपिंग लाइट, और ये टेंट के अंदर मौजूद। अब भाई नींद आ रही है तो सोता हूँ और सुबह मिलता हूँ, टेंट थोड़ा सा गीला हुआ है, यहाँ से पानी बहुत तेज हुआ था इस वजह से, और दो टेंट तो बहुत ज़्यादा ही गीले हो गए क्योंकि उसकी जो ये वाइट वाली चेन होती है, मतलब डबल लेयर है ना, तो जो अंदर की लेयर है वो बंदी नहीं थी, जिस वजह से पानी जो था बाहर वाली लेयर का वो अंदर वाली लेयर के थ्रू आ गया जिप ना लगी होने की वजह से। चलो सुबह मिलते हैं यार, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा तेज वाली। वेलकम बैक। मॉर्निंग हो चुकी थी, हम लोग ने टेंट रैपअप भी कर लिया है अपना और अब वापस जा रहे हैं भोपाल। इस वक्त मैं हूँ मंडीदीप में, तो सामान वामान सब ड्रॉप कर दिया है, कैंपिंग बढ़िया से निपट गई। बारिश हुई रात में, थोड़ी प्रॉब्लम हुई लेकिन क्योंकि वहाँ पे रूम्स थे अपने पास कॉटेज जैसे कि, तो इतनी दिक्कत नहीं हुई, उसमें अरेंज हो गया था और टेंट भी इतने गीले नहीं हुए थे। अंदर थोड़ा बहुत पानी कहीं कहीं से आता क्योंकि कुछ टेंट्स की जो जिप होती है चेन वो खुली रह गई थी, इस वजह से पानी आ गया, नहीं तो पानी नहीं आता टेंट्स के अंदर। तो अब मैं पहुँचता हूँ भोपाल और भोपाल पहुँच के फ्रेश व्रेश होके फिर लेनी है क्लासेस अपने को, तो वो काम निपटाते हैं, देखते हैं और कुछ रहता है आप लोगों को दिखाने के लिए तो फिर वो करते हैं अपन कवर अप आगे। तो पहुंचो जल्दी, ट्रैफिक काफ़ी मिल रहा है, संडे होने के बावजूद ट्रैफिक मिल रहा है, देखते हैं क्या रहता है। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक घर पे। अब ये हो गया था कि आने के बाद भैया मैं सो गया थोड़ी देर, बहुत तेज वाली नींद आ रही थी, और सोने के बाद नहा धो के तैयार होके अपन निकल गए पढ़ाने, तो आने के बाद अपने अंदर हिम्मत बची नहीं, शाम को फिर वही वेदर खराब, फिर से बारिश, तो अपन ने तो वीडियो एडिट कर रहे हैं और इतना हो चुका है, बस लास्ट ये हिस्सा डाल रहा हूँ। तो अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया हो तो एज यूजुअल जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बगैर मत जाना। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। बनाता हूँ दूसरा व्लॉग कल, मिलता हूँ आप लोगों को कल, तब तक के लिए स्टे सेफ और गुड बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग व्हेनेवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलता हूँ कल, मिले कल, चलो।